अगर आप भी अपने पेटीएम फास्टैग को निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखें। तो जैसे कि ये मेरा फास्टैग लगा हुआ था, इसको मैंने निकाल लिया है, पर यहाँ पे फिर भी ये चिपका हुआ है, तो आज हम इसको रिमूव करेंगे। तो हमने गाड़ी को हीट कर लिया था, धूप में खड़ा रखा था। आप ड्रायर का भी यूज़ करके इसको उखाड़ के निकाल सकते हैं, लेकिन उखाड़ने के बाद आप देख रहे हैं कि ये स्टिक हो गया, ये आराम से निकल नहीं रहा है। तो अभी हम इसी को निकालेंगे अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का यूज़ करके, क्योंकि कॉलिन भी ट्राई किया तो उससे नहीं निकलता। तो मैंने एक नॉर्मल हैंड रब यूज़ किया हुआ है। तो अब हम इसमें अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे हैं। आप भी देखिएगा, जिसमें भी अल्कोहल होगा, चाहे स्पिरिट का आप यूज़ करिए, तो भी आप ये ध्यान में रखिएगा कि अल्कोहल की परसेंटेज उस केमिकल में ज़्यादा हो, तो ये आप आसानी से रिमूव कर सकते हो। साथ ही साथ आपको इसमें अपने नाखूनों का थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, काफ़ी जेंटली। एक बार इसको अप्लाई करने के बाद आप नाखून से इसको खुरच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा नाखून का भी इस्तेमाल करके इसको हटा रहा हूँ। तो कपड़े में ही नाखून से लगा के हल्के हल्के इसको अगर हम निकालेंगे तो ये आसानी से रिमूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, हमने अपने फास्टैग को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया। अब सिंस टोल भी आ गया पास में, तो हम यहाँ पे अपना नया फास्टैग इंस्टॉल करेंगे। मैं पेटीएम फास्टैग से स्विच कर रहा हूँ HDFC फास्टैग की तरफ। तो मैंने अब निकाल लिया पेटीएम का फास्टैग, तो मैं HDFC का फास्टैग इसमें फिट करूँगा। तो ये है मेरा नया फास्टैग HDFC से लिया हुआ। तो अब इस स्टिकर को निकाल के हम यहाँ पे पेस्ट करने वाले हैं। इस तरह से हमने अपना नया फास्टैग पेस्ट कर दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।